हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पिंपल से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। आप लोगों का जब मैंने अपने गड्ढे के बारे में शेयर किया था वीडियो कि जब मेरे चेहरे पर गड्ढे हो गए तो मैंने उसको कैसे रिमूव किया, तो मेरे उस वीडियोज़ पर आप लोग का भी बहुत कमेंट आ रहा है कि पिंपल्स के गड्ढे का भी रिमूव करने का कोई अच्छी सी रेमेडी बताइए। तो आज मैं आपको किसी भी टाइप की, अगर आपकी स्किन है, हर टाइप की स्किन वालों के लिए मैं बहुत ही अच्छी रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ईजी एंड इफेक्टिव। आपको अगर सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, मैं हर टाइप के स्किन वालों के लिए अलग अलग टाइप से रेमेडी आज मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ, ताकि जो भी आपकी स्किन टाइप हो, आप अपना स्किन टाइप चेक करके उसको आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रेमेडी है ये मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि सब नॉर्मल स्किन वालों के लिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी स्किन में, तो सबसे पहले मैं नॉर्मल स्किन वालों के लिए बता रही हूँ ये रेमेडी। आप लेंगे हनी, शहद जिसको बोलते हैं, हनी लेंगे। हनी में आप मिक्स करेंगे थोड़ी सी हल्दी, और कुछ भी आपको मिक्स नहीं करना है, उसको एक पेस्ट बना के अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। और इस आपको ये हफ्ते में 3 से 4 दिन करना है, और इसको लगा के आपको आधे घंटे तक रखे रहना है अपने पूरे चेहरे पे। और अगर मान लीजिए किसी को सिर्फ यहाँ पे गड्ढे होते हैं तो आप सिर्फ वहाँ भी लगा सकते हैं, या फिर बहुत से लोगों को पूरे फेस पे होते हैं तो आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं। मतलब जैसा आपकी प्रॉब्लम है उसी हिसाब ये रेमेडी को आप यूज कर सकते हैं। ये जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपके स्किन से गड्ढे तो बनेंगे ही, अगर आपकी स्किन में और भी तरह के दाग हैं या निखार नहीं है तो उसको भी ये मेंटेन करेगा। बहुत अच्छी रेमेडी है नॉर्मल स्किन वाले के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन वाले को बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या लगा है उनको जल्दी कुछ सूट नहीं करते, स्किन लाल हो जाती है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आज के रेमेडी आप जरूर ट्राई करें। अगर आपके चेहरे पे किसी तरह का दाग धब्बे गड्ढे वगैरह हैं तो आप लेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को आप फेटेंगे और उसमें डालेंगे इवियन कैप्सूल, दोनों को मिक्स करेंगे, एक क्रीम जैसा बन जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको लगाना है, आप नाइट में भी लगा के सो सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव यूज किया हुआ, मैं बहुत टाइम से इस चीज़ों पे को यूज करते हुए, जिनको अलग अलग टाइप की स्किन वाले यूज करते हुए मैंने देखा है, और मैंने उनको सलाह दिया है, तो उन्हें सूट भी किया है, तभी मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है, जैसे आप लोग जानते हैं मेरी कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन है, तो थोड़ी हल्की सर्दी में जैसे अभी ड्राई हो जाती है और ऐसे कॉम्बिनेशन रहती है, मतलब ठीक ठाक स्किन है, मुझे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है चेहरे पे। लेकिन अगर आपको है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको 100% सूट करेगा। उसके बाद आपको, चलिए आप बात करते हैं ड्राई स्किन वालों के लिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो अभी तो ऐसे भी सर्दियाँ आ रही है तो स्किन तो ड्राई हो ही रही हुई सबकी, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने स्किन को केयर करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारी ड्राई स्किन पर रेमेडी शेयर की हूँ और आगे भी शेयर करती रहूँगी। अभी तो सर्दी आने ही वाली है, कुछ 2 महीने में तो आ ही जाएगी, तो मैं आप लोगों को रेमेडी जरूर दूंगी। और इसी पर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर करें और न्यू वाले चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए ड्राई स्किन वालों के लिए मैं रेमेडी बता देती हूँ। ड्राई स्किन वाले लेंगे बेसन। बेसन में डालेंगे आप कच्चा दूध, दूध ही डालेंगे, और इसकी जगह आप कुछ नहीं डालना है, आपको कच्चा दूध ही डालना है, रॉ मिल्क जिसे बोलते हैं, और उसमें आपको डालना है थोड़ी सी हल्दी। ये 3 चीज़ों को मिक्स करके इसको फेस पे लगाना है हफ्ते में 3 दिन, 3 से 4 दिन हर कोई ये रेमेडी लगा सकता है। और मैंने जो सेंसिटिव स्किन वाले के लिए बताया है वो सिर्फ ओवरनाइट लगा के सोएंगे, और बाकी लोग पैक की तरह लगाएंगे, ये मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। आप इसको लगाएंगे, आधा घंटा रखेंगे, उसका सूख जाएगा तो आप इसे धो लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी नुस्खे हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे आपके ऑयली स्किन के बारे में। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो, ऑयली स्किन है तो आप लेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा बेस्ट है ऑयली स्किन के लिए। उसमें आप डालेंगे मुल्तानी मिट्टी को भी आप क्या करेंगे, दूध में ही फुलाएंगे। अगर स्किन वाले मुल्तानी मिट्टी लेंगे, मुल्तानी मिट्टी अगर आप वो जो पाउडर फॉर्म में है तो आप उसको दूध में घोल के पेस्ट बना के, लेकिन दूध में घोल के आप तुरंत उसको नहीं लगाएं, कम से कम 15 मिनट आप उसको छोड़ दें, उसके बाद ही लगाएं। और ऐसे अगर वो जो पत्थर वाले होते हैं वो है तो वो आपको आधा घंटा 1 घंटा रात भर भी आप उसको दूध में फुला सकते हैं, उसके बाद अपने चेहरे पर आप लगाएं ना, पिंपल्स में बहुत फ़ायदा देता है। इसलिए आप उसमें दूध में फुला के, सिर्फ दूध में फुला के आपको मुल्तानी मिट्टी लगाना है, और उसमें कुछ नहीं आपको डालना है। स्किन के गड्ढे भरने में बहुत ज़्यादा यूजफुल, बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो एंड न्यू कंटेंट के साथ।